स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पांचवा पार्ट क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का, जिसका अध्याय फर्स्ट चल रहा है और अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिस बच्चे ने पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो हमारे पहले अध्याय के चार पार्ट हो चुके हैं जो कि पीछे मैं अपलोड कर चुका हूं, उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका समय व्यर्थ ना हो इसलिए मैंने पहले ही ये सब उतार के रख दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, यानी कि इनमें क्या अंतर होता है वो याद तो आप कर लेंगे, याद कर लेंगे। मैंने याद करने के लिए, उनको समझाने के लिए आपको यहां पर पहले ही लिख दिया है। अगर मैं समझा दूंगा आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज वैद्युत बल जो होता है और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? वैद्युत बल को एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ई से। ठीक है, बेस में ई लिख देते हैं। तो एफ ई बराबर होता है 1/4πε0Q1Q2/r2। ये होता है हमारा वैद्युत बल का फॉर्मूला। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस जगह एफ जी लिख लेते हैं। एफ जी बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया हमारा फॉर्मूले का। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा अंतर क्या होता है? यह आवेशों के मध्य कार्य करता है। मीन्स जो वैद्युत बल है इसमें आवेश होते हैं क्यू और क्यू, क्यू वन क्यू टू है, आवेश है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो वैद्युत बल है वो आवेशों के मध्य कार्य करता है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को। गुरुत्वाकर्षण बल में एम यूज हो रहा है, एम होता है द्रव्यमान। तो दूसरा अंतर इसका क्या हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दो आपको अंतर पता चले, याद करने की आसानी हो जाएगी अब आपको। तीसरा देखते हैं, इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जैसा कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि क्यू जो होता है, क्यू के अंदर दो आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। प्लस होता है, प्लस को आकर्षण और प्रतिकर्षण दो बल उत्पन्न होते हैं। इसी वजह से, इस क्यू होने की वजह से यहां पर कितने आवेश होंगे, कितने प्रकार के बल होंगे? दो प्रकार के, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। ठीक है, समझ में आ गया, याद करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल में एम यूज होता है, एम होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान में केवल आकर्षण का गुण होता है। इस वजह से द्रव्यमान पर केवल आकर्षण बल ही होता है। ठीक है, क्लियर। चौथा देखते हैं, यह माध्यम पर निर्भर करता है। हमने समझा चुके हैं पहले ही कि एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट वायु में या निर्वात में वैद्युतशीलता होती है, और माध्यम में भी इसके लिए हमने एक व्यंजक प्राप्त किया था। इससे हमें पता चलता है कि जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगली चीज आती है कि दो प्रोटोनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^36 गुना बड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है, ये चीज याद रखने की है। दो लाइनें, दो जो अंतर है उसको आपको याद रखना है, केवल यहां पर याद रखना है कि वैद्युत बल जो होता है वो बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। और किस तरीके से? प्रोटोनों के मध्य लगेगा तो 36 गुना बड़ा होगा 10^10, और अगर इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है तो 41 गुना होता है। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए यहां पर कोई भी बड़े वाली बात नहीं होती है। बड़ा कौन होता है? वैद्युत बल बड़ा होता है, और कितना होता है? प्रोटोनों के मध्य 36 गुना, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य 10^41 गुना, और इधर दोनों तरफ क्षीण होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, अंतर आपको याद करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ चुके हैं सही से। ठीक है, अब अगला इसका जो टॉपिक आता है, अगला हेडिंग है वो हम बताते हैं। अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लेते हैं, इसको बिगाड़ देता हूं मैं अध्याय को भी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लिखा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें समझना है। बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि अच्छा अच्छी हेडिंग है, अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये हर साल कहीं ना कहीं दिखाई देता ही है। तो इसे समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहली बात कि वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र होता है स्थान, क्षेत्र होती है जगह, क्षेत्र होता है कि हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ का एरिया, ठीक है। तो क्षेत्र क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो अगर कोई आवेश रखा है, क्या आवेश, कुछ भी हो सकता है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वह क्षेत्र या इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, उसके चारों तरफ की वह जगह जहां पर कोई अन्य आवेश या कोई अन्य परीक्षण आवेश किसी बल का अनुभव करता है, उसी जगह को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। सपोज हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश यहां रखा है, इस पर कोई, यहां हमने क्यू नॉट आवेश ले लिया, परीक्षण आवेश ले लिया, क्यू नॉट परीक्षण आवेश ले लो या क्यू टू आवेश ले लो, कोई भी आवेश हमने दूसरा यहां पर ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना कि जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, धनात्मक होता है। तो अगर हम प्लस क्यू एक परीक्षण आवेश लेते हैं और ये परीक्षण आवेश जिस जगह आकर इस क्यू आवेश पर बल का अनुभव करने लगे या किसी शक्ति का अनुभव करने लगे, वही जगह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जब तक इस पर इसके द्वारा कोई बल कार्य नहीं करेगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, और जब ये इसके क्षेत्र में आ गया तो इसका कार्य करना स्टार्ट हो गया और हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से एक राजा होता है, राजा की एक लिमिट होती है कि मैं इस गांव तक ही अपने राज्य को फैला सकता हूं या यहाँ के लोग मेरी बात मान सकते हैं, दूसरे गांव में या दूसरे नगर के लोग मेरे बात को नहीं मानेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि जो उसके क्षेत्र के लोग हैं वही उसकी बात को मान सकते हैं, उसके बल का प्रभाव उस पर पड़ता है, अन्य दूसरे नगरों के नागरिकों के ऊपर उसके बल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से ये इसका क्षेत्र है एक जहां पर इसके बल का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अगर बल का प्रभाव पड़ रहा है तो वो उसका क्षेत्र है, अगर बल का प्रभाव नहीं पड़ रहा तो उसका क्षेत्र नहीं है। तो हम यहां से समझ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब देखना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब होता है कि ये वैद्युत क्षेत्र है तो, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से बल लगा रहा है, किस तरीके से हमारे इस क्यू के ऊपर या इस क्यू नॉट के ऊपर कितना बल कार्य कर रहा है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, इस बिंदु पर लगाया गया बल, बल होता है एफ, और जिस आवेश पर हमें वैद्युत क्षेत्र का बल निकालना है, बल निकालना है जिस पर, उस वैल्यू को, उस आवेश को बटे में रख देते हैं। तो आवेश हमें, सपोज इस बल, इस आवेश द्वारा हमें क्यू नॉट पर बल निकालना है तो इस क्यू नॉट को इसके अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि यहां देखो प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। जब प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे और इस बल की वजह से एफ यहां निकल के आएगा और इसकी दिशा हमें पता चल रही है, तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो सदिश राशि के ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ठीक है। अब इसे समझते हैं, इसके लिए व्यंजक जो प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, वो चीज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हमें दे रखा है एक क्यू आवेश दे रखा है ए बिंदु पर, ए बिंदु है और इस पर क्यू आवेश रखा हुआ है,
और यहां से हमें P दूरी पर, किस दूरी पर, P दूरी पर, सॉरी P बिंदु पर, जिसकी दूरी R है, क्या है, R दूरी पर P बिंदु है और इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा है Q नॉट। इस परीक्षण आवेश पर हमें बल ज्ञात करना है कि कितना बल लगेगा। अब यहां से ये Q नॉट जो है ये प्लस का होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो परीक्षण आवेश होता है वो क्या होता है, आपका धनात्मक होता है, और ये Q प्लस का ले लिया। ठीक, जब ये परीक्षण आवेश के कारण इस पर बल लगेगा तो वो बल कैसा होगा, वो बल होगा प्रतिकर्षण का, यानी कि आकर्षण बल नहीं होगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो यहां जो बल प्राप्त होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमें दूरी पता चल गई, हमें Q1 पता है, Q2 पता है। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, बल फाइंड करना है परीक्षण आवेश के पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश पर, प्लस Q आवेश पर, सॉरी, प्लस Q आवेश द्वारा बिंदु P, बिंदु P पर, बिंदु P पर रखे Q नॉट आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब ये बल जो फाइंड करना है वो बल क्या होगा, वो होगा F, क्या होगा F, और F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0। एक मिनट रुक जाओ, बल निकालना, हमें कौन सा बल निकालना है, तीव्रता निकालनी है, यानी कि E बराबर हो जाएगा F अपॉन Q नॉट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने जो कि अभी रखा हुआ था, और यहां हम लिखेंगे चूंकि F जो था, F बराबर फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जब पढ़ चुके हैं तो इसके द्वारा हम यहां इसको पुट करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह ये चीज रखेंगे 1/4πε0। अच्छा, Q1 जो है, ये Q1 क्या है, Q है, ठीक है, तो इस जगह रखेंगे Q। Q2 जो है वो क्या है, Q0 है, या Q0 बोल सकते हैं, तो Q0 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर इनके बीच की जो दूरी है वो रख देंगे। इतनी बात आई समझ में। अब ये E बराबर F की जगह तो हमने ये चीज पुट कर दी, अपॉन क्या है, Q0, तो इस Q0 को भी अपॉन में यहां पर लिखेंगे, या 1/Q0 लिख देंगे। इस Q0 से ये Q0 कट गया, जब ये वैल्यू कट गई तो हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, E बराबर 1/4πε0 और क्या आ जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो हमें पता चला कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर होती है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी हो जाती है। ठीक है, अब इसका अगर हम निकालना चाहें मात्रक, मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक यहां से निकाल सकते हैं, ये क्या है, F, F बराबर होता है न्यूटन, F का मात्रक यानी कि बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या है, Q, Q क्या होता है, हमारा आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो या तो हिंदी में कूलाम लिख लो या इंग्लिश में सी लिख लो, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या लिख सकते हैं इसको न्यूटन कूलाम की पावर -1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां से हमें पता चल जाता है। और अगर इसकी बीमा और फाइंड करने चाहें तो बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा होती है न्यूटन, ये क्या हमारा बल, और बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और कूलाम यानी कि आवेश, आवेश की बीमा होती है एटी, कितनी होती है एटी। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां लिख देते हैं, ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन, और टी ऊपर आ जाएगा -1। अब इसे पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी
माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने बीमा निकाली, इसका मात्रक निकाला और इसका हमने आर्टिकल भी पूरा कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताया करें, मेरा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा जब कमेंट्स आएंगे, आपके लाइक आएंगे तो मैं और उत्साह से आपको पढ़ा पाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि आप लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और उत्साह के साथ आपको पढ़ा पाऊं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, बच्चे देखिए ध्यान से कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, रेखाएं, रेखाएं का मतलब ऐसी कोई लाइनें जो कि वैद्युत के कारण और बल उत्पन्न होने की वजह से उत्पन्न होती हैं रेखाएं, उन्हें बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्यों हैं, कहां से आती हैं, क्यों आती हैं, इसके बारे में हम पूरी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न कहां से होती हैं, क्यों होती हैं, तो ये आवेशों की वजह से उत्पन्न होती हैं। किसी आवेश पर अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है तो उन बलों के लगने की वजह से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं, रेखाएं बनती हैं, उन रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, प्लस अगर आवेश रखा है तो प्लस आवेश की वजह से किस तरीके से बल रेखाएं बनेंगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई एक तल है, कोई एक माध्यम है, कुछ जगह है जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, प्लस आवेश रखा है और यहां हमने मान लिया कि एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश की वजह से इस पर कितना बल लगेगा वो देखते हैं। अगर प्लस क्यू आवेश है तो इन दोनों के बीच कौन सा आवेश लगेगा, परीक्षण आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश लगेगा, परीक्षण आवेश, और वो किस तरीके से लगेगा, सॉरी आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से। यहां से प्रतिकर्षण बल लगेगा और किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर इसी हम प्लस क्यू नॉट आवेश को इस जगह से हटाकर कहीं और रख दें, सपोज हमने यहां रख दिया, तब इस पर बल लगेगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। इसी आवेश को, इस परीक्षण आवेश को यहां से हटाकर कहीं और कहीं रख देते हैं, हमने रखा यहां रख दिया, तब इस पर आवेश लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर हमने इसको उठाकर और कहीं रख दिया तो कहां आवेश बल लगेगा, इस तरीके से, ऐसे लगेगा। क्लियर, तो हम प्लस क्यू के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ, उस आवेश की वजह से जो प्रतिकर्षण बल हो रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। अब देखते हैं माइनस की वजह से, कि माइनस आवेश अगर रखा है तो माइनस आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने वही दोबारा से दोहराया कि प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो आवेश के कारण बल उत्पन्न होगा आकर्षण बल। आकर्षण बल होगा तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर हमने प्लस क्यू आवेश यहां रख दिया तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां से हमने ऐसे चला जाएगा और कौन सा बल आ गया, ये आकर्षण बल, सॉरी साइन चेंज कर दिए, आकर्षण बल है इधर की तरफ, आकर्षित हो रहा। ठीक है, और एक जगह चेंज की इसकी, तो जगह चेंज करने पर हमने यहां लिख दिया, तब इस पर आवेश उत्पन्न हुआ और बल लगा, तो बल किधर आएगा, इधर की तरफ। तो माइनस की वजह से पता चल गया और प्लस की वजह से भी हमें पता चल गया। ठीक है, इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि प्लस की वजह से दूर जाता है और माइनस की वजह से पास में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें एक ही जगह पर, एक ही माध्यम में दो आवेश रखे हुए हों, प्लस और माइनस दोनों के दोनों रखे हुए हों,
अगर सपोज प्लस ये रखा है और एक माइनस ये रखा है, ठीक है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, और यहां पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू पर जब प्लस प्लस काम करेंगे तो किस तरीके से बल जाएगा, जैसा अभी हमने समझा था, ऊपर की तरफ जाएगा और इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इसी प्लस क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश था उस पर प्लस की वजह से तो यहां आया, लेकिन माइनस की वजह से भी काम करेगा। इस पर दोनों आवेश काम करेंगे, तो जब दूसरा आवेश काम करेगा तो वो कैसे काम करेगा, वो यहां से इधर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो ये दो आवेश जब कार्य करने लगे तो ये कार्य करने के वजह से इनमें एक परिणामी आवेश या परिणामी बल कार्य करने लगेगा। यानी कि जब किसी दो आवेशों पर कार्य होता है या दो बल कार्य करते हैं तो उनमें एक परिणामी बल कार्य करने लगता है, और वो परिणामी बल जो कार्य करेगा वो इन दोनों के मध्य से कार्य करेगा। कहां से कार्य करेगा, यहां से मध्य से कार्य करेगा, ठीक। यही दोबारा से बल लगेंगे आगे चल के, तो उसकी दिशा इस तरीके से पलटकर यहां आने लगेगी, ठीक है। अब यही काम क्या होगा, जब अगर परीक्षण आवेश को यहां रख दें, तो अगर Q नॉट को यहां रख दें तो वो फिर दोबारा से यहां से इस तरीके से ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो वो इस तरीके से ऐसे आएगा, यहां से इस तरीके से ऐसे जाएगा, अगर देखें ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, और यहां से इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक। तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार होता है तो इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा क्या मिलता है हमें, पता क्या क्या चलता है कि प्लस क्यू से आवेश निकल रहा है और माइनस पर आवेश आ रहा है, प्लस क्यू से आवेश जा रहा है, माइनस पे आवेश आ रहा है, ठीक है। प्लस पर आवेश प्लस से निकला और किधर जा रहा है, माइनस पर आ रहा है, ये प्लस से जाकर माइनस पे आ रहा है, तो यहां प्लस से जाएगा और माइनस पे आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारी रेखाएं निकल कर आई यही रेखाएं कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब इन रेखाओं के बारे में आप समझ तो चुके हैं, अब ये बताना है हमें कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इनकी डेफिनेशन होती है, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लेना, लिखने में टाइम लगेगा। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है, वक्र रेखाएं होती हैं। फिर से देख लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर वह स्वतंत्र तल में ये जो तल था जिस पर वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रही थी उनको बोलते हैं स्वतंत्र तल तथा पृथक्कृत धनावेश गति करते हैं। यानी कि इस पर धनावेश जो प्लस की चीज गति कर रही थी, हमने बताया प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जा रहा है तो धनावेश गति करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं की क्या विशेषता होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता, जैसा कि आपने अभी इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं उसके द्वारा ही मैं आपको समझाते हुए इनकी विशेषताओं को लिखूंगा। पहली विशेषता, सबसे पहली चीज क्या है, धन आवेश से निकलती हैं। क्या होती हैं, यह रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। तो पहला गुण तो क्या है, पहली विशेषता है कि धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं। यह रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, धन आवेश से बाहर की ओर निकलेंगी, आएंगी कहां पर, ऋण आवेश की तरफ।
लिखने में समय लग रहा है, मैं बताता जा रहा हूं, आप कॉपी पेन लेना और उसको नोट करते चलना, ठीक है ना। क्या होता है, दूसरा चीज होता है ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। देखो यह रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऋण आवेश में प्रवेश कर गई। तीसरी बात होती है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। हम अगर प्लस है माइनस है, यहां से एक रेखा निकली, यहां से एक रेखा निकली, यहां से रेखा निकलेगी, यहां से रेखा निकलेगी, ये 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 टोटल जितनी रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे से आकर नहीं मिलती, केवल माइनस पर उसी बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो यहां से हमें पता चला पहली चीज धन आवेश वाली की धन आवेश से निकलती हैं, और दूसरी बात पता चली ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दो चीजें पता चली विशेषता, तीसरी विशेषता पता चली कि ये दो रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। दो चीजें पता चल गई। तीसरी चीज हमें पता चलती है कि दो रेखाओं के मध्य ये क्यों नहीं काट रही, समझिए कि हमने बताया कि एक प्लस और एक प्लस होगा तो क्या होता है प्रतिकर्षण, और एक माइनस और एक प्लस है तो होता है आकर्षण, ठीक है। आकर्षित अगर होती, इनके अंदर अगर एक जैसे गुण ना होते तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती और कहीं ना कहीं आकर मिल जाती, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये प्लस से निकल रही है तो इस पर प्लस आवेश है, क्या आवेश है, प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है, तो ये दोनों रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाती हैं। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत कम लोग होंगे जो ये चीज समझा पाएंगे। तो क्या है इन दोनों के बीच, क्या प्रतिकर्षण का गुण, किस वजह से, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव साइन है, इस पे भी पॉजिटिव साइन है, और दो पॉजिटिव साइन कभी भी आपस में एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं, इसलिए किन्हीं दो वैद्युत बल रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण का गुण होता है, ठीक है। ये चीज पता चल गई हमें। उसके बाद इनमें क्या होता है कि ये जो जो रेखाएं हैं ये हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, किसका प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का, अपने आप को कम से कम दायरे में रखने का प्रयास करती हैं। तो इसका एक गुण क्या हो जाता है कि ये बल रेखाएं जो होती हैं कि दो वैद्युत रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगला क्या होता है कि दो जो समीप में रखी हुई हैं उनमें आपस में प्रतिकर्षण का गुण होता है, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। तो पता चल गया वैद्युत बल रेखाओं के विशेषताओं के बारे में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये समझ लेते हैं कि किसी जगह अगर दो आघूर्ण एक साथ उत्पन्न हो या दो आवेश एक ही जगह पर होते हैं तो ऐसे आघूर्ण को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, इस जगह पर केवल मैं इसके बारे में थोड़ी सी मेन बातें बता रहा हूं, ठीक है। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह सदिश राशि होती है, इसकी दिशा धनात्मक से धन आवेश की ओर होती है, ऋणात्मक से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमें इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, यानी कि पी इज इक्वल टू टू क्यू एल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड लक।